1994 का 2 रुपए का कॉइन जिसके एक साइड पे इंडियन फ्लैग है उसकी 5 लाख रुपए वैल्यू है और 1 रुपए के कॉइन की 2 लाख रुपए वैल्यू। 1 रुपए का कॉइन 1918 का इसकी वैल्यू 9 लाख रुपए है। 5 रुपए के माता वैष्णो देवी कॉइन जिसकी वैल्यू 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, आप इसे क्विकर या कॉइन बाजार पे बेच सकते हैं। 1943 का 10 रुपए का नोट, ये देखिए सामने फोटो, ब्रिटिश राज के टाइम पे 25,000 रुपए इसकी वैल्यू। जवाहरलाल नेहरू वाला कॉइन जो जारी हुआ था 1989 में, उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए, अभी 2,50,000 रुपए चल रही है। अगर आप लोगों के पास में पुराने जमाने के दुर्लभ सिक्के हैं या फिर आप लोगों के पास में नोट है तो इन्हें बेचकर आप सच में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में अलग अलग बायरों के नंबर देंगे और अलग अलग बायरों से आपको रूबरू करवाएंगे कि आपके पास में रेयर नोट हैं या फिर रेयर सिक्के हैं तो आप एग्जीबिशन में सच में कैसे बेच सकते हैं। और घर बैठे बेचना चाहते तो हमारी टीम और हम खुद आपके घर आ सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे वैसे रेयर नोट और रेयर सिक्के आपके पास में होने चाहिए। जैसे 2 रुपीज का नोट है, इसमें 786786 नंबर लिखा हुआ होता है तो हम खुद आपके घर आ सकते हैं, लेकिन वैसे नोट आपके पास में होने चाहिए। हम आपको इस वीडियो में अलग अलग बायरों से आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये जो मैडम देख रहे हैं इनका नाम निशा मैडम जी है, इनसे आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारी पूरी टीम आपके घर भी आ सकती है। और आजकल आपने देखा होगा न्यूज में भी 1 रुपए वाला नोट वायरल है, लेकिन उसमें फैंसी नंबर होता है तो उस नोट के बदले आपको सच में लाखों रुपए मिलते हैं। या फिर आप लोगों के पास में कॉइन्स होगे तो कॉइन में 1 रुपए वाले कॉइन है जो 1917 में जारी हुआ, उसकी वैल्यू सच में लाखों रुपए है, लेकिन ये 1917 में जारी हुआ ये कॉइन सच में रेयर है, इसे बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। राजीव गांधी वाले कॉइन हो गए, या फिर आप लोगों के पास में ऐसे नोट हो गए स्टार वाले, 1 रुपीज के नोट हो गए, ट्रैक्टर वाले नोट हो गए, ट्रैक्टर वाले नोट में भी फैंसी नंबर होना चाहिए, या फिर आपके पास में 2 रुपए वाला नोट हो गया। 2 रुपए वाला नोट में मैंने बोला ना, ऐसे मेरे को कल बहुत सारे लोगों ने भेजे थे मेरे को मेरे व्हाट्सएप पर, लेकिन वहां पर दोस्तों मैंने बताया वो नोट बहुत कम लोगों ने भेजे, तो आज मैं बोल रहा हूं वही कॉइन और वही सिक्के भेजने हैं। चाहे आपके पास में ऐसा सिक्का हो गया जो 1991 में